एंड वेलकम, मैं विमान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। बॉलीवुड का कौन सा खान गया है गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ? कौन सा बॉलीवुड स्टार पहुंचा अर्जुन रामपाल के बर्थडे बैश में? कैसे हारे आदित्य चोपड़ा सलमान खान के आगे? एंड फाइनली अनुष्का और रणवीर मारने जा रहे हैं हैट्रिक, कौन सी फिल्म में दिखेंगे एक साथ? अर्जुन रामपाल ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे और जाहिर सी बात है कि उनके इस सेलिब्रेशन में बॉलीवुड ने दिया उनका साथ। कौन कौन सी हस्ती पहुंची इस बर्थडे बैश में? टेक अ लुक एट आवर विजुअल्स। ये नजारा है अर्जुन रामपाल के बर्थडे बैश का, जहां आए हैं बॉलीवुड के कुछ नोन फेसेस टू विश अर्जुन ऑन हिज बर्थडे। यहां हमने स्पॉट किया ऋतिक रोशन को वेयरिंग ग्लासेस एंड लुकिंग क्वाइट अनवेल। व्हाट्सएप डिगू, ऋतिक आए थे अपनी वाइफ डियर के साथ टू विश अर्जुन। साथ ही दिखी यहां कंगना, हु वोर अ ब्लैक आउटफिट एंड लुक्ड एज इफ शी इज बैक फ्रॉम सम फोटो शूट। वैसे कंगना ने अर्जुन को यहां अपनी विशेस जरूर दी। आई विश हिम ऑल द लव, लक एंड सक्सेस। दूसरे गेस्ट की बात करें तो यहाँ दिखे अर्जुन के खास दोस्त चंकी पांडे, संजय कपूर विद हिज वाइफ फरदीन एंड जायद खान, दीनू मौर्या एंड आल्सो गौरी खान माइनस किंग खान। यहाँ हमने स्पॉट किया मधुर भंडारकर को भी, जो कि हैं अर्जुन की आने वाली फिल्म हीरोइन के डायरेक्टर। तो आइए मधुर से पूछते हैं, हाउ इज द शूटिंग गोइंग ऑन? अर्जुन इज अ फ्रेंड एंड ही इज द एक्टर ऑफ माय मूवी हीरोइन एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन माय मूवी। टुडे स्टार्टेड द शूटिंग टुडे ओनली एंड एब्सोल्युटली ही वाज अमेजिंग एंड आई जस्ट केम टू विश हिम आई वाज शूटिंग द मॉर्निंग एंड शूट जस्ट स्टार्टेड टुडे। हाउ वाज द स्टार्ट? ग्रेट फीलिंग, ग्रेट फीलिंग। हीरोइन इज मच टॉक्ड अबाउट फिल्म, पीपल आर वेरी मच वेटिंग फॉर द फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी तो कुछ यू क्लोज फ्रेंड्स के साथ मनाया अर्जुन ने अपना बर्थडे। दो वी वेटेड कि अर्जुन कब अपने घर से नीचे उतरते टू शेयर हिज हैप्पीनेस ऑन दिस स्पेशल डे विद द मीडिया। नॉनदलेस, हियर इज विशिंग अर्जुन ऑल द सक्सेस। रिसेंटली मुंबई में कुछ लेजेंडरी एक्टर्स को किया गया फेलिसिटेट और किया गया उनके हिंदी सिनेमा में किए कॉन्ट्रीब्यूशन को याद, मगर यहाँ आए जीतू जी लगे कुछ ज्यादा ही जल्दी में टू रिमेम्बर दीज लेजेंड्स। ब्ला ब्ला ब्ला, जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहना है जितेंद्र का इन आंसर टू द इवनिंग, जो कि रखी गई थी कुछ लेजेंडरी एक्टर्स को याद करने के लिए। लगता है जीतू भाई कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे, या फिर ये कहें कि इन लेजेंडरी एक्टर्स के लिए क्या कहा जाए, उन्हें सही अल्फाज नहीं मिल पाए, इसलिए कहते कहते कुछ ऐसा कह गए जितेंद्र। अरे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बुजुर्ग हो गए, लेजेंड वेजेंड की बातें सुन के डर लगता है, बट आई एम वेरी हैप्पी समबडी इज टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस एंड ऑनरिंग दिस पीपल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। चलिए जीतू जी के पास भले ही टाइम ना हो, मगर यहाँ आए बाकी बी टाउन फेसेस के पास टाइम जरूर था, लाइक अनु मलिक, अनीस बाजमी, प्रेम चोपड़ा, भाग्यश्री, हु आल्सो सेलिब्रेटेड हर बर्थडे ऑन द सेम डे। सो लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम भाग्यश्री, क्या है स्पेशल ऑन हर बर्थडे? वेल, द बेस्ट पार्ट ऑफ माय बर्थडे वाज व्हेन माय सन वाज बोर्न, सो I think that makes it wonderful. We share a birthday. चलिए भाग्यश्री तो अपने सन के साथ शेयर करती हैं अपना बर्थडे। उनकी ये मुस्कुराहट देखकर हमें लगा कि शायद अनलाइक जीतू जी वो हमें इस फंक्शन के बारे में कुछ बताएंगी, लेकिन ये क्या, जैसे ही भाग्यश्री की इयररिंग गिरी वो एम्बैरेस्ड होकर सीधा बाहर ही भाग गयी। Well, भाग्यश्री भी भाग गई, but we tried our luck with Anees Bazmi and asked him कि उनकी नजर में सबसे ज्यादा इमॉर्टल एक्टर कौन है। उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में जितना कहा जाए ज्यादा उतना कम है। मुझे लगता है कि उनके लिए तो बहुत कुछ कहा गया है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहा जाएगा। वो इतने ग्रेट एक्टर हैं, इतने अच्छे इंसान हैं और मतलब मुझे लगता है कि उनकी फिल्में देखकर सिर्फ हमने नहीं, बहुत बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टरों ने बहुत कुछ सीखा है। थैंक गॉड, फाइनली इस इवेंट में हमें ऐसा कोई तो मिला जो जल्दी में ना हो। खैर, वी अप्रिशिएट कि इन सब सेलेब्स ने कम से कम अपना टाइम इन लेजेंडरी एक्टर्स को ऑनर करने के लिए निकाला तो सही। एक ऐसे खान जो जाने वाले हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट, चलिए हम भी देखते हैं आखिर ये खान कौन है।
एक ऐसे खान हैं जो कि हैं ऑल सेट टू चैलेंज आवर गवर्नमेंट, एक ऐसे खान हैं जो कि है तैयार ऑन स्क्रीन स्मोकिंग को सपोर्ट करने के लिए, ये एक ऐसे खान हैं जो खुद स्मोकिंग नहीं करते और हैं अगेंस्ट दिस एडिक्शन। वेल, ये है आमिर खान, जिन्होंने आज तक किसी टोबैको ब्रांड को इंडोर्स नहीं किया और ना ही वो खुद स्मोकिंग करते हैं, मगर आमिर का मानना है कि ऑन स्क्रीन स्मोकिंग दर्शाने में बैन नहीं लगाना चाहिए। आमिर का ये रिएक्शन आया है अगेंस्ट द नोटिस सेंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू बैन ऑन स्क्रीन स्मोकिंग। आमिर का कहना है कि जब फिल्म्स में बाकी किस्म के इलीगल एक्टिविटीज दिखाई जा सकते हैं लाइक मर्डर्स, तो फिर स्मोकिंग क्यों नहीं। Amir also adds, if I show Churchill without his cigar, I'm not being true to my subject. Not showing my character the way he was is not only curbing my creative freedom as a filmmaker, but I'm also being dishonest with my audience. But Amir also adds ki wo films mein disclaimer add karne ke favor mein zarur hain. Well, Mr. Perfectionist to hain all set to stand by his creativity aur wo apne is haq ke liye ladne ke liye bhi taiyar hain. To ab hame hai intezar ki Amir ki ladai mein aur kaun dega unka saath aur kaun jeetega ye ladai. Well, we'll surely keep you updated. सलमान की दबंगगिरी से नहीं बच पाए आदित्य चोपड़ा भी। एक था टाइगर के एक गाने से ना खुश, सलमान ने किया सॉन्ग को शूट करने से इनकार। क्या हुआ इसके बाद, लेट्स फाइंड आउट। सलमान खान अपने मन मर्जी से काम करते हैं, सभी को उनकी बात सुननी पड़ती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। He works on his own terms and doesn't compromise on a shoot, regardless of who the director or the production house is. हमने सुना है सलमान खान was shooting in Dublin for एक था टाइगर, जब सलमान को एक गाना शूट करना था विद कटरीना कैफ, लेकिन सलमान को वो गाना पसंद नहीं आया तो he refused to shoot. रीजन सिर्फ यही कि सलमान को गाना पसंद नहीं आया, कोई सलमान को कन्विंस नहीं कर पाया। फाइनली मुंबई में म्यूजिक टीम ने दोबारा गाने पर वर्क किया। फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने भी पर्सनली गाने पर ध्यान दिया। गाने को रीवर्क करने के कारण से दो दिन की शूटिंग टल गई। खान अग्री टू प्रोसीड ओनली आफ्टर ही हर्ड द न्यू वर्जन ऑफ द ट्रैक। सो खान के आगे बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा भी मान गए हार और खुशी खुशी सलमान के आइडिया को इनकॉर्पोरेट किया। सो वेल, भाई की सभी सुनते हैं, ये बात डबलिन में भी साबित हो गयी। आरती दानी, जूम मुंबई। सलमान का दिल कितना बड़ा है इसका एग्जाम्पल तो वो आए दिन देते ही रहते हैं। एक बार फिर सल्लू भाई ने दिखाई अपनी दरिया दिली, किसके साथ और कैसे, हाँ ये जानते हैं। सलमान खान का दिल बड़ा है ऐसा यूं ही नहीं कहा जाता, और सलमान खान सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की ही हेल्प नहीं करते बल्कि वो तो सबकी हेल्प करते हैं जो उनके साथ रहते हो। हाल ही में नया मामला सामने आया है। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो इस बार सलमान ने हेल्प की है एक डायरेक्टर की, और वो डायरेक्टर है सिद्दीकी। सिद्दीकी वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने बॉडीगार्ड को डायरेक्ट किया है। दरअसल बात ये है कि जब बॉडीगार्ड फिल्म की शूटिंग हो रही थी तभी प्रोड्यूसर श्याम बजाज और नरेंद्र बजाज को एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश थी, और उन लोगों ने सलमान से इसके लिए हेल्प भी मांगी, और सलमान ने भी तुरंत सिद्दीकी का नाम सजेस्ट कर दिया। जबकि बॉडीगार्ड ने तोड़ दिए हैं अब सारे रिकॉर्ड, तो श्याम और नरेंद्र भी अपने इस फैसले से काफी खुश हैं। वेल, बॉडीगार्ड के बाद सिद्दीकी को लगभग हर बैनर से फिल्म डायरेक्ट करने के लिए ऑफर्स आए, मगर सिद्दीकी ने भी अपना कमिटमेंट कायम रखा और सबसे पहले चांस दिया श्याम और नरेंद्र को। वेल, वी होप कि सिद्दीकी आपकी ये दूसरी आने वाली फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हो बॉडीगार्ड की तरह, और आप सलमान का नाम रोशन करें। संजय दत्त आजकल अपने जेल में बिताए हुए पलों को इतना लाइटली लेने लगे हैं कि हर इवेंट में अब तो मूवीज में भी उन पलों का मजाक बनाने लगे हैं। कैसे, लेट्स टेक अ लुक। संजय दत्त इज टेकिंग हिज जेल इमेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट दीस डेज। संजू बाबा अपनी लाइफ में आई मुश्किल घड़ियों को इन दिनों याद तो करते हैं मगर एक लाइटर नोट पर। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म देसी बॉयज में संजय दत्त अपने डायलॉग के जरिए अपनी लाइफ में आई एक ब्लैक पीरियड पर पन करते नजर आए। देसी बॉयज में संजू रोल तो छोटा सा प्ले कर रहे हैं मगर उनका डायलॉग जिसमें वो कानून के अगेंस्ट जाने की बात करते हैं कुछ कुछ रियल लाइफ में आई उनकी मुश्किलों की कहानी की ओर इशारा करता है। वेल, ऐसे ही इशारे संजू पहले भी दे चुके हैं जिसमें उनका साथ सलमान खान ने भी दिया था। दोनों ही अपनी लाइफ का थोड़ा समय जेल में काट चुके हैं, और उनके शो बिग बॉस के लॉन्च पर जब इस शो में रखी गई जेल की बात हुई तो बोथ टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि जेल उन्हें अपने रियल लाइफ में हुए इंसिडेंट की याद दिला देता है। रणवीर और अनुष्का कर सकते हैं एक और फिल्म साथ साथ आफ्टर लेडीज वर्सेस रिकी बाल। अनुष्का और रणवीर कौन सी फिल्म में दिखेंगे साथ साथ, ऑल द डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
रणवीर सिंह एंड अनुष्का शर्मा की दूसरी फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल जल्द ही रिलीज होने वाली है। साथ में ये भी खबरें हैं कि रणवीर और अनुष्का में पहली जैसी दोस्ती नहीं है, बिकॉज रणवीर हैज साइंड अ न्यू फिल्म विद सोनाक्षी सिन्हा, जिसे अनुष्का रिपोर्टेडली बिल्कुल पसंद नहीं करती। वेल, सरप्राइजिंगली नाउ वी हैव हर्ड दैट रणवीर एंड अनुष्का हैव साइंड वन मोर फिल्म टुगेदर। दैट फिल्म इज अनुराग कश्यप्स बॉम्बे वेलवेट। ये फिल्म इन दोनों की फिल्मों की हैट्रिक को कम्प्लीट करेगी। वेल, लुक्स लाइक कि रणवीर और अनुष्का ने पर्सनल रिलेशनशिप को छोड़कर अब प्रोफेशनल रिलेशनशिप में बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि बॉम्बे वेलवेट वाज द फिल्म जो पहले आमिर खान के साथ बनाई जाने वाली थी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अनुष्का का एक्सक्लूसिव टिक टैक विद जूम। रिसेंटली अनुष्का आई एक स्किन प्रोडक्ट को एंडोर्स करने और यहाँ पर उन्होंने हमसे शेयर की ब्यूटी टिप्स। जैसे ही सीजन चेंज होता है सबके पास एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि हम अपनी देखभाल कैसे करें, बट यू डोंट वरी क्योंकि मेरे साथ है अनुष्का शर्मा जो बहुत ढेर सारे टिप्स देने वाले हैं अपने आप को ठीक रखने के लिए। राइट अनुष्का, आप पूछिए तो आपको बताऊंगी। अनुष्का, सबसे पहले बताइए नीविया से किस तरह से आपका एसोसिएशन हुआ? वेल, एसोसिएशन तो एक्चुअली बहुत पुराना है। जब मैं एक्ट्रेस भी नहीं थी और मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर थी, तब मैं निविया के प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी और मेरी मॉम यूज़ करती थी और मेरी नानी यूज़ करती थी। सो इट्स एक्चुअली लाइक निविया हमारी फैमिली में रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। आज आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं इस ब्रांड को एंडोर्स कर रही हूँ एंड इट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि एक तरह से ये एक जर्नी सिम्बलाइज करता है मेरी। एंड एवरी डे लाइक व्हेन आई वाज अ किड, इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक कि मैं जब मैं इनके लिए शूट करती हूँ या मैं इस बॉटल को पकड़ के इसके साथ शूट करती हूँ, तो मेरे को लगता है कि यार ये तो मैं लगाती थी जब मैं छोटी थी, ये मैं यूज़ करती थी। इट गिव्स यू दैट नॉस्टैल्जिक, गुड प्लेजेंट नॉस्टैल्जिक फीलिंग। तो बहुत अच्छा एसोसिएशन, आई थिंक इट्स अ ब्रांड आई बिलीव इन और मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकती हूँ दैट आई एम अ यूज़र, आई एम अ कंज्यूमर। So it's for me for me in any brand that I endorse, it's very important कि मैं उसको खुद use करूँ या मैं खुद उस पर believe करूँ। So Nivea as a brand that I believe in, I trust. Okay, but आप पहली Bollywood star हैं जिसने Nivea को endorse किया, मैंने एक फेस बनी है। That's exciting क्योंकि if they have entrusted their trust on me as a brand ambassador and when they had to choose, they could choose anybody but they've chosen me, that gives me a lot of happiness. निविया ने 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने 100 ईयर्स स्किन केयर फॉर लाइफ, सो एनी हैप्पीनेस ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम एसोसिएट विद ब्रांड। जब उन्होंने 100 साल कंप्लीट कर दिए तब मैं उनके साथ आई। बहुत पुरानी ब्रांड है, बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, ऑनेस्ट ब्रांड है, एक फैमिली ब्रांड है, पूरा परिवार यूज़ करता है इसको। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वार्मथ एंड मशीनेस दैट दिस ब्रांड हैज विद इट्स कंज्यूमर्स। So I'm happy that I'm part of it and it's been there for so many years and been successful for so many years. Anushka, jahan pe likha hai 100 years skin care for life, agar Anushka ko kuch bolna hoga ki 100 years dash for life to kya ho? 100 years matlab skin care, but Anushka ko kya chahiye 100 years skin care? Mere ko to pehli baat 100 years liye jeena nahi hai. I'm happy that Nivea has lived for 100 years and I hope it lives for 100 more years. I just want to have ek aisi life honi chahiye jahan pe I'm satisfied and maine wo sab jo main karna chahti hu aur jo mere ambitions rahe hain, if I can just achieve that will be a complete life for me. Okay, so let's say 100 years of a complete life. Okay, winter season aa raha hai dheere dheere, to kis tarah se khayal rakhenge, kuch tips denge apne audience ko? Ji haan, winter mein to bahut important hai ki aap apni body ko bahut मॉइस्चराइज करें एंड उसे नरिश करें। हम लोग बॉम्बे में रहते हैं तो हम लोगों को इतना ज़्यादा वेरी ह्यूमिड सिटी, बट इवन देन अगर ठंडी लग रही है नहीं लग रही है तो बॉडी इज़ लूजिंग मॉइस्चर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर बॉडी एंड टू यूज़ द राइट प्रोडक्ट ऑन योर बॉडी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो फॉर विंटर्स, सो दैट शुड बी अ गुड चॉइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत कुछ बाकी है। आज तुषार सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे और अपने इस बर्थडे पर तुषार को मिला है एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर से। सो लेट्स फाइंड आउट क्या है तुषार का बर्थडे गिफ्ट। तुषार कपूर सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुडे और जाहिर सी बात है कि हर कोई अपने बर्थडे पर एक्सपेक्ट करता है कोई ना कोई स्पेशल गिफ्ट। तुषार को भी मिला है एक स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। ये गिफ्ट दिया है उन्हें डायरेक्टर संजय गुप्ता ने और ये गिफ्ट है एक फिल्म। जी हाँ, संजय की आने वाली फिल्म शूट आउट एट वडाला में संजय ने किया है तुषार को एक रोल ऑफर। ये रोल है गैंगस्टर नोन एज मान्या सुरवेज राइट हैंड शेख मुनीर का। वेल, तुषार इससे पहले संजय की फिल्म शूट आउट इन लोखंडवाला का पार्ट भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी फिल्म शूट आउट एट वडाला में तुषार का होना तो बनता ही था। एंड व्हाट अ बेटर गिफ्ट देन दिस फॉर हिज बर्थडे। साफी एंकर हंट के ऑडिशन अब सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई में पहुंच गए और विस्लिंग वुड्स कॉलेज में चल रहे हैं इस हंट के ऑडिशन। द एंट्री विल शट टुमारो एट 10:30 AM शार्प 28 November। सो डोंट लूज योर चांस एंड पार्टिसिपेट इन दिस हंट। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 PM for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops in Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.